बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमामुल हक की गुज़िश्ता कल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें इमामुल हक काफी ज्यादा गुस्से में है और काफी ज्यादा मायूस है। इमामुल हक ने ऐसा क्या किया और क्यों? गुजारिश है इस मुख्तसर वीडियो को आखिर तक जरूर देखे, इस वीडियो को लाइक करे और इस वीडियो के मुताबिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट हर सेशन में आपका इम्तिहान लेती है। रूटीन से हटकर क्रिकेट खेल रहा था, सेंचुरी ना होने पर मायूसी हुई। कराची में खेला गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। कराची टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद न्यूजीलैंड को बाकी 15 ओवर में 138 रन का हदफ मिला था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने तेज खेलकर हदफ हासिल करने की कोशिश की, ताहम 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 61 के मजमू स्कोर पर कम रोशनी के बायस खेल खत्म कर दिया गया और यूं 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर बैटर इमामुल हक ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 96 रन बनाए। उसके बाद इमामुल हक स्टंप आउट हो गए। जब इमामुल हक आउट हो गए, एक इमामुल हक ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं की, जबकि दूसरा वो पाकिस्तान को मुश्किलात का जो शिकार था उसे मुकम्मल तौर पर निकालने में नाकाम रहा। जब इमामुल हक वापस आ रहे थे तो इस दौरान आप स्क्रीन पर मुख्तसर वीडियो देख सकते हो कि इमामुल हक किस तरह गुस्से में है और काफी ज्यादा मायूस है। आपको बताते चले कि इमामुल हक ने मजीद कहा कि मैं हर तीसरे चौथे गेंद पर आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं बाउंड्री की जानिब नहीं बस आगे निकलकर सिंगल लेना चाह रहा था। बॉलर की लाइन को रीड नहीं कर पाया और स्टंप हो गया।